नमस्कार दोस्तों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 15 मार्च दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज स्टूडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज स्टूडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय श्री राम लिखें, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार, आज की तिथि है द्वादशी, आज का नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:31 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:29 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है दोपहर 2:30 से दोपहर 3:31 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुभ कर करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 11:31 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 9 और शुभ रंग है गुलाबी और नारंगी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आप अपने अकेलेपन और तनाई की भावना से बाहर आए और परिवार के साथ कुछ समय बिताएं। आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। काम का तनाव आपके दिमाग पर छा सकता है जिसकी वजह से परिवार और मित्रों के लिए आप वक्त नहीं निकाल सकेंगे। आपका काम आपसे दनकनार हो सकता है क्योंकि आप अपने प्रिय की बाहों में खुशी आराम और उल्लास महसूस करेंगे। लगता है कि आपके वरिष्ठ आय देवताओं जैसे व्यवहार करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों किसी सज्जन पुरुष की दैवी बातें आपको संतोष और बाधाओं से दूर रखेंगे। आपके पिता की कोई सलाह आज आपके कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। आपको बच्चों या खुद के काम अनुभवी लोगों के साथ धैर्य से काम लेने की जरूरत है। रोमांस और रोमांचक होगा इसलिए उससे संपर्क करने के जरिए आप प्रेम करते हैं इसलिए उससे संपर्क करें जिससे आप प्रेम करते हैं और दिन का भरपूर लाभ उठाएं। अगर आप यकीन करते हैं कि वक्त ही पैसा है तो आपको अपनी क्षमताओं को शीघ्र पहचानने की जरूरत और उसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप सोचते हैं कि यार दोस्तों के साथ आवश्यकता से अधिक आप वक्त बिताना आपके लिए सही है तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोर अवस्था के दिनों में आपका दिन याद दिलाएगी। साथ ही दोस्तों आपके लिए आज का दिनमान अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन के लिए दिन बढ़िया है। आज अपने रिश्तों में काफी समझदारी दिखाएंगे और अपने जीवन साथी के किसी काम को लेकर आप उनके साथ मदद भी करेंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। रिश्तों में रोमांस रहेगा, हल्का मानसिक तनाव की आपको रह सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बताएं आपके अच्छे कार्यों की समाज में खूब प्रशंसा होगी। कार्य क्षेत्र में स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी लेकिन फिर भी आपका मन काम में नहीं लगेगा। किसी पुराने अटके हुए काम के पूरा हो जाने में धन लाभ हो सकता है। आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ सकते हैं। आज के दिन चीजें आपकी इच्छा के मुताबिक चलेंगी। बच्चों को स्वस्थ अचानक कमजोर हो सकता है। बिजनेस में नए सौदे हो सकते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको बताएं आज नए लोगों से मुलाकात का योग बन रहा है। उनके प्रति आपको आकर्षक उज्जवल और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। ऐसे किसी बात का समर्थन ना करें जिससे आप सहमत ना हो। जीवन साथी पैसे और घर में कामों को लेकर आपके साथ तर्क वितर्क रह सकता है। अपने साथी के साथ आप डिजिटल माध्यम के संपर्क से रह सकते हैं। आज किसी से भी पैसा लेन देन के लिए आपको खुद ही बात करनी चाहिए। बिजनेस में जितना मुनाफा आपने सोच रखा है उसके
कम प्राप्त होने की आकांक्षा है। घर से बाहर पढ़ाई के इच्छुक छात्र लोन लेने की सोच सकते हैं। नई नौकरी या काम शुरू करने वाले लोगों को काम के काज को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बताएं, पैसे के मामले में सोच समझकर फैसले लेंगे और इसका फायदा भी आपको हो सकता है। आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने की सोचनी चाहिए। प्रॉपर्टी के मामले में परिवार या साथ के कुछ लोगों से आपके अनबन होने की संभावना बन रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचने की कोशिश करें। अपने इमेज को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। सेहत के मामले में उतार चढ़ाव वाला दिन रह सकता है। पुराना रोग खत्म होगा तो आपका नया दर्द भी हो सकता है। स्टूडेंट को सीनियर्स की मदद मिल सकती है। साथ ही आपको बताएं, आज आर्थिक स्थिति बेहतरीन बनेगी। आपकी उदारता पर सहज स्वभाव की ओर लोग बरकरार ही आकर्षित होंगे। आपका यही व्यवहार आपकी सफलता का कारण बनेगा। विद्यार्थीगण भी अपने अध्ययन संबंधी कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ध्यान रखें कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज मामला और अधिक उलझ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें या उसे स्थगित कर दें। धन के निवेश संबंधी कार्य में आप किसी बहकावे में ना आकर पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। साथ ही दोस्तों आपको बताएं, परिवार में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। बच्चे भी अनुशासित और मर्यादित रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों मार्केट में आपकी अच्छी खासी बनने की वजह से व्यापारी पार्टी की तरफ से आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत संबंधी योजनाएं बनेंगी जो सार्थक रहेंगी। जल्दी इनके अनुकूल परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो जी आपके लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। आज आपके मन में चल रही कुछ बातें आज पूरी हो सकती हैं। आप जो कहना चाहते थे उसके लिए आज अच्छा दिन रह सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आप अपने जीवन साथी की मदद से कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे आपके जीवन साथी को अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आज आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या किसी धार्मिक स्थल की सैर कर सकते हैं, जैसे कि आप मंदिर भी जा सकते हैं, क्योंकि आज का समय आपके आने वाले समय की यादगार का लम्हा बनेगा। आज का बिताया गया समय आपके जीवन साथी या प्रेमिका के साथ खुशनुमा रहेगा। इसके चलते आपके मन को शांति व सुकून का अनुभव होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस राशि के कुछ लोगों के साथ आज उनके प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि यह कुछ समय या कुछ दिनों के लिए रह सकता है, क्योंकि इस राशि के जातक अपने जीवन साथी या प्रेमिका को अच्छे से समझा सकते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसके चलते प्रेम प्रसंगों के लिए आज का दिन अच्छा और अनुकूल रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा देर दर्द हो सकता है, जैसे गर्दन पर, कमर में, दांत और पेट की समस्या आपको उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा जितना हो सके आप आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें और थोड़ा बहुत दर्द को नजरअंदाज करें। साथ ही आपको बताएं, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।